मार्वल की फिल्मों के दुनिया फैन है। मार्वल ने हमेशा लोगों को कुछ उम्मीद से बढ़कर दिया, कुछ ऐसा दिखाया है, कुछ ऐसा दिया है जिसकी लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज हुई है, जो कि कमाल की मूवी है। पहले पार्ट्स पहली फिल्मों से ज्यादा बेहतर है। इस मूवी ने लोगों के इमोशन, प्यार, फैमिली सबको फोकस किया और सबको एक साथ जोड़ के दिखाया है। इसके डायरेक्टर की इसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई है, जेम्स गन, जो कि इसी चीज के लिए मशहूर है। जेम्स गन ने इस मूवी के कैरेक्टर को धागे में मोतियों की तरह परोया और बहुत ही संजीदगी और प्यार से दिखाया। इस मूवी की कहानी शुरू होती है रॉकेट के पास से। रॉकेट द रकून को बनाने वाला इसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है और इसे वापस हासिल करना चाहता है, ताकि इसका दिमाग का इस्तेमाल करके वो एक अलग और बेहतर दुनिया बना सके। हाई एवोल्यूशन ही रॉकेट का करता धरता है और इसे बनाने वाला है। इस तरह से देखा जाए तो हाई एवोल्यूशन रॉकेट से जलता है, क्योंकि रॉकेट को बनाने वाला हाई एवोल्यूशन है और रॉकेट का दिमाग उससे बेहतर काम करता है। इसीलिए वो रॉकेट को वापस हासिल करना चाहता है और उसके दिमाग को बाहर निकालना चाहता है और रॉकेट को ख़त्म कर देना चाहता है, ताकि वो एक अलग और नई दुनिया बना सके जो कि उसके कहने पर अमल करे। जो लोग इस मूवी को पहली बार देखने वाले हैं, उनकी मूवी उनके समझ में ये मूवी कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर इस मूवी को देखना है तो मार्वल की बाकी मूवीज को देखना पड़ेगा, इस मूवी के पहले दो पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल की मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर पहली फिल्मों को नहीं देखा जाएगा तो इसकी स्टोरी भी आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर इस मूवी के VFX, CGI और एक्शन की बात की जाए तो वो कमाल है। इसीलिए तो हमें लॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसी फिल्में देखने को नहीं मिलती। इन फिल्मों के पास पूरा बजट होता है और ऐसी फिल्मों को खेलने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर ये आप लोग फैमिली के साथ मूवी देखें तो ये एक बेहतरीन मूवी है फैमिली के साथ देखने के लिए, क्योंकि इस मूवी में फैमिली पर ही फोकस किया गया है। अगर इस मूवी में किसी भी मेंबर पर कोई भी मसला बनता है, कोई भी आंच आती है, तो ये सारे लोग उस पर अपनी जान लगा देते हैं और अपनी जान निछावर कर देते हैं, चाहे सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, ये सब लोग मिलकर उसकी वार लगा दें। एंड प्लीज सब्सक्राइब।